नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं आपके साथ किरण शर्मा। भले ही मानसून में बादल हरियाणा प्रदेश में कहीं बरसे हों या ना बरसे हों, लेकिन पूरे प्रदेश भर में चुनावी तपिश का दौर जारी है। पूरे हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। हमेशा की तरह सत्ता की लालसा हर किसी को है, फिर चाहे वो सत्तासीन सियासतदान हो या विपक्ष में बैठे राजनेता। अब क्योंकि माहौल चुनावी है और चुनाव जिताने का काम करेगी जनता, तो नेताओं की जनता तक पहुंच का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चुनावी माहौल नजदीक है तो सत्ता और विपक्ष के नेता जनता के बीच उतरकर अपने काम गिनाते हैं और जनता अपने मताधिकार की शक्ति से उन्हें सत्ता के ताज तक पहुंचाती है। तो चलिए, आज से कुछ कड़ियों में सत्तासीन खट्टर सरकार, जो कि बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार है, उसके और पूर्व में रही हुड्डा सरकार के कामों की तुलना करते हैं और जानते हैं कि कौन कितना सफल हुआ और किसने कहां मात खाई। आज बात उस विषय की करते हैं जिसे लेकर अतीत में प्रदेश की नाक बड़ी नीची हुई है, लेकिन आज उसी विषय में हुए सुधार ने हरियाणा का मान सम्मान भी बढ़ाया है। विषय है बेटी, जिसके घटते अनुपात के कारण काफी वक्त तक प्रदेश को दुनिया की नजरों में नीचा देखना पड़ा। हमेशा हरियाणा इस मुद्दे को लेकर दूसरे राज्यों के मुकाबले कमतर रहा है। ताने भी कई मारे गए और कई बार कटोचा भी गया, लेकिन विषय की गंभीरता को समझते हुए मौजूदा सरकार ने सुधार किए और चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये अभियान न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की मुहिम बना, बल्कि हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बेटी को लेकर एकदम बदल गई और सब संभव हुआ सिर्फ खट्टर सरकार में। क्योंकि इससे पहले तो हरियाणा का नाम बेटी को मारने के लिए जाना जाता था। ये वही हरियाणा था जहां बेटी पैदा होने को कलंक समझा जाता था और बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन स्थिति में सुधार की मंशा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी साल 2015 को हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले से खट्टर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर प्रदेश की बेटी साक्षी मलिक को बनाया गया। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन बेटियों के लिंग अनुपात और उनकी पढ़ाई के मामले में प्रदेश इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो देश में मान बढ़ाएगा। वो प्रदेश जो कभी बेटियों के अनुपात के मामले में खुद को शर्मसार महसूस करता था, आज गौरवान्वित महसूस होता है। केंद्र सरकार के इस अभियान को मुख्यमंत्री खट्टर ने इस तरह से आगे बढ़ाया कि आज हरियाणा प्रदेश न सिर्फ लिंग अनुपात में अव्वल हुआ, साथ ही साथ बेटियों की पढ़ाई और कई दूसरे क्षेत्रों में भी देश में अग्रणी प्रदेश हो चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में हरियाणा प्रदेश के लिंग अनुपात को लेकर बात की थी, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र किया गया था और कहा कि हरियाणा में इस अभियान से लिंग अनुपात सुधरा है, तो हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जब प्रधानमंत्री ने सेल्फी विद डॉटर अभियान के लिए हरियाणा के सुनील जगलान की बात की, तो सबके चेहरों पर गर्व की मुस्कान थी। सेल्फी विद डॉटर अभियान के लिए प्रधानमंत्री ने सुनील जगलान को श्रेय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुनील जगलान जी ने एक प्रभाव पैदा किया है, क्योंकि पहले हरियाणा में लिंग अनुपात पर सिर्फ चर्चा होती थी, काम नहीं होता था, लेकिन अब इस अभियान का मकसद लोगों को अपने जीवन में बेटी के महत्व को समझाना रहा है। कहते हैं बिना आंकड़ों के बात कमजोर रहती है, तो चलिए एक नजर आंकड़ों पर भी डालते हैं। साल 2014 में 1000 बेटों पर 871 और 1015 बेटों पर 876 बेटियां थी, लेकिन जनवरी 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बिगुल फूंका था, तो प्रदेश में लगातार बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि साल 2021 के दौरान लिंग अनुपात 935 प्लस का लक्ष्य रखा है, जो कन्या भ्रूण हत्या खिलाफ लड़ाई जारी करेगा। तब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि जिन जिलों में दशकों तक लिंग अनुपात 900 से कम था, उनमें से ज्यादातर जिलों में लिंग अनुपात 920 से भी ज्यादा हो गया। साल 2016 में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों ने 900 का आंकड़ा छुआ। इसी के साथ साल 2017 और 18 में ये अनुपात 914 और साल 2019 में ये संख्या 923 तक पहुंच गई। साल 2020 में भी प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियां पैदा हुई। वहीं राज्यों के 22 जिलों में से 20 जिलों में लिंग अनुपात 900 या उससे ज्यादा रहा, तो सिरसा में 949 था,
साल 2020 के दौरान लगभग 5,37,996 बच्चों के जन्म का पंजीकरण हुआ था, जिनमें से 2,79,869 बेटे और 2,58,127 लड़कियां पैदा हुई। साल 2019 में 5,18,725 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से 2,69,775 बेटे और 2,48,950 बेटियां पैदा हुई थी। 2021 में प्रति व्यक्ति 1,000 बेटों पर 925 बेटियां और 2022 में 917। हरियाणा सरकार न सिर्फ बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लक्ष्य तक सीमित रही, बल्कि उसकी सशक्तता और सबलता भी प्रदेश सरकार का ध्येय था, जिसके लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के जरिए परिवार की तीसरी बेटी तक 21,000 तक का बीमा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल बेटी के विकास के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही खट्टर सरकार ने समाज में दुर्गा अष्टमी और अहोई अष्टमी के जरिए कन्या जन्म के प्रति जागरूकता लाने का भी काम किया है। खट्टर सरकार की इन कोशिशों ने हरियाणा प्रदेश की छवि बदलने का जो काम किया है वो आंकड़ों में तो साबित हो ही रहा है, धरातल पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब आप एक दशक पहले के मुकाबले आज प्रदेश की बेटी को ज्यादा निडर पाते हैं। हालांकि इस बात की चर्चा तब से कम है जब से महिला पहलवानों के विरोध में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, लेकिन वास्तव में प्रदेश सरकार की मुहिम का फायदा उन बेटियों से पूछना चाहिए जो आज प्रदेश में खुशहाली का जीवन जी रही हैं, और उन्हें ये खुशहाल जिंदगी सरकार के अथक प्रयासों ने ही दी है, जिसकी पहचान खुद कभी साक्षी मलिक को कभी विनेश पोगाट भी रही है। मौजूदा खट्टर सरकार ने बेटियों के लिए सकारात्मक बदलाव का जो काम किया है, जिस तरह से सीएम खट्टर ने हरियाणा की रूढ़िवादी छवि को बदलने का काम किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इसी तरह के और खास कार्यक्रमों को देखने के लिए और देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।